क्या हेलो भाई लोग, मैं हूँ कमर रजा यूट्यूब व्लॉग चैनल से। तो आप लोग देख सकते हो अभी हम निकले हुए हैं होटल में जाके खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत कस के लगा है, संडे का दिन है। तो अभी हम तीन जने निकले हैं, मामा निकले, मैं निकला, इस्तखान निकला, वो नमूना जिसको आपने देखे होंगे, देखो बाइक लगा रहे। अभी हम होटल में पहुँच गए आनंद बॉम्बे होटल में। हम जाते हुए से दूसरे होटल में, लेकिन आज मामा बोले कि यहाँ पर निहारी बहुत बढ़िया मिलता है, तो सोचे कि चलो खा करके देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। इसके लिए हम आ गए यहाँ पे अभी बॉम्बे होटल में और जाकर के खाना खाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का टेस्ट यहाँ पे होता है। भीड़ तो रहता ही है, ऊपर से संडे का दिन है और रोटी के लिए तो और दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि इतनी पब्लिक वो देख रहे हो खड़ी हुई है पूरी पब्लिक, क्योंकि उनको रोटी चाहिए। रोटी चाहिए, हमको रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, निकल क्या रहे हम पहुँच ही गए देखा जाए तो, बस जगह ढूंढ रहे, जगह मिल जाता तो हम बैठ जाते हैं। तो हमको जगह मिल गया है, मामा सबसे पहले बैठे, फिर अपने इस्तखार भाई बैठे हुए, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बैठ गए। ये हमने नहीं खाया, किसी और ने खाया हुआ है, तो इसको भी साफ सफाई करवाएंगे, हटवाएंगे। और कुछ पहचान वाले भी यहाँ पे आ चुके हुए जो हमारे कारखाने के सामने, इनका वो देखो फिर अपने नासिर भाई भाग रहे वहाँ से वीडियो को देख करके, कैमरा देख करके। चलो तो हम अभी, मामा भी बड़ा खुश है क्योंकि चूना मेरा लगने वाला है यहाँ पे, तो इसके वजह से। तो चलो खाना आ गया हुआ है, अभी आया है निहारी आ गया हुआ है, पर मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा है कि जो मज़ा होने चाहिए। फिर हंडी चिकन आया, हंडी चिकन का टेस्ट भी पता नहीं हमको कैसा है, कभी निकाल के सब तो रख रहे, मामा चालू हो गए निकालने से, पहले ही चालू हो गए उसी में से, तो अपने इस्तखार भाई निकाल के रख रहे। तो देख सकते हो कि अब सब लोग खाना चालू कर दिए हुए, तो शुरुआत तो निहारी से हुआ है। और ये निहारी में वो मज़ा नहीं है जो दिल्ली के निहारी में होता है, या खुद के घर पे जो निहारी बनाते हैं क्या टेस्ट हो जाता है, क्या मज़ा आता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है जो मज़ा अपने घर के निहारी में और दिल्ली के निहारी में आता है। मैंने जब इसको चेक किया तो अभी भाई साहब ने हंडी चिकन रखे हुए, अभी कैसा होता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिल लंबा फटता है, भले कम रहता है लेकिन बिल लंबा फटता है, देखते हैं खा करके अपने। तो ये सबसे पहले अपने खाए हुए इसको पहला निवाला मुंह में रखते, देख सकते सिर्फ एक रोटी आया अभी तक, इतना देर हो गया एक रोटी आया, क्योंकि पब्लिक बहुत है यार। उसके बाद सब बोलते हैं कि चपाती रोटी खाने के लिए, अब क्या करेंगे, लाना ही पड़ेगा क्योंकि नहीं मिलता है, जो नहीं मिलेगा इंतजार थोड़ी करेंगे तंदूरी के लिए। क्या कहते हो भाई लोग, तो क्या कहते हो आप लोग कमेंट में जो करेगा और क्या पसंद आता है। बाकी हम खाए, टेस्ट ठीक ठाक ही हमको लग रहा है इसका, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो कशिश नहीं आ रहा है जो सोच के हम इस होटल में आए हैं। आप लोगों ने पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे कि हम लोग जो आए थे, तो ये वो मज़ा नहीं आ रहा है हमको इस जगह, जो मज़ा हमको आने चाहिए था। फिर भी चलो अब आए, पैसे दिए तो खाना तो पड़ेगा ही हमको, तो खाना चालू कर दिए। फिर भी ठीक ठाक स्वाद है, टेस्ट है, लेकिन चिकन में, बाकी निहारी जो कह रहे हैं उसमें कोई मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर भी हम चलो खा लिए, क्योंकि पैसा तो हमारे जेब से निकला है, पैसे कमाने में तो हालत ख़राब हो जाता है इस वजह से, तो खुशी खुशी खा लिया। हालत भी देख सकते एकदम अजीब सा हो गया भाई हमारा हालत, क्योंकि बाल बाल हम सीधे नहीं, सीधा निकल के आ गए वहाँ से, सोचे चलो जाके खाते हैं, भूख तो लगा हुआ, तीनों को भूख लगा हुआ था। तो फ़ोन करे बुलाए, और ये पहला निवाला हमने तो नहीं लिए हुए, काफ़ी निवाला खा चुके हुए, लेकिन जो सोचकर हम लोग आए थे यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं पाया। अब यहाँ पे नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं, अब बैठ के खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आधे में से उठ करके तो जा नहीं सकते, नवाब की औलाद तो है नहीं हम, और ना राजा महाराजा की औलाद है, जो हमारे जेब में पैसों की बोछार लगी होगी, रात दिन काम करते तब जाके 2 रुपया आता है, तो 2 रुपये की कीमत पता, अगर पसंद नहीं भी आता है तब भी मज़े से चुपचाप खाओ, क्योंकि पेट के लिए तो इतना मेहनत करते हैं हम, ठीक है। अगर किसी को खाना ही खाना नहीं होता तो कोई इतना मेहनत करता ही नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ कि सही, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझको, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। आप लोग मुझे पता नहीं कि आप लोग देख रहे हो तो क्या सोच रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जितना हो सका है कि हमने वीडियो बनाने की कोशिश किए है यहाँ पे, अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो भाई लोग संभाल लीजिएगा, और काफ़ी दिन के बाद में वीडियो अपलोड करता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि वक्त सर बोलूँ तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है हमको, बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। तब भी कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर हम एक वीडियो अपलोड कर दें, और वैसे भी कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमको, ना कोई प्यार मिल रहा है आप लोग का, क्योंकि ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना व्यूज बढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है मेरे को। कभी कदा तो मैं सोचता हूँ साला चैनल को डिलीट करके ना साइड कर दूँ मैं, क्योंकि जो रिस्पांस मिलने चाहिए इतना मेहनत करने पर भी नहीं मिल रहा है हमको, तो करे क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको।
लगभग इतना एक साल हमको होने आया यहाँ पे। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा खाना पीना का भाई बिल पे कर रहा है, बिल निकला मेरे ही हमसे, वो बात हो रही है कि पे करने वो गया हुआ है वहाँ पे, तो बिल पे कर रहा है, वो बिल दे रहा है। तभी हम लोग यहाँ से अब थोड़ा देर रुकेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। तो अभी बाहर आ गए, थोड़ा सा सोप और भगत जो कहते हैं ना वो लिए वहाँ से, और खाने के बाद खाए। चलो कुछ तो फ्री में मिला, 1 रुपये का सामान मिला जो जहाँ पे 500 रुपये खर्चे हुए हमारे। तभी हम बाहर आकर के यहाँ पे खड़े थोड़ा देर, उसके बाद निकलेंगे। तो अब जो 10 रुपये बाकी था बाहर से भाई ने तो ले लिए हुए, क्योंकि बिल जो दिए हुए पूरा उनके पास था नहीं। तो मामा थक गए हुए तो बोले थोड़ा देर बैठते उसके बाद निकलते। मैं ठीक है मेरा भी क्या जाता है, चलो बैठ जाते। तो वीडियो को इसी जगह ख़त्म करते, प्लीज़ चैनल